ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं गाइस कलर ग्रेडिंग टूल के बारे में। एंड गाइस अगर आप लोगों ने लाइटरूम ऐप को यूज किया तो आप लोगों को पता होगा गाइस इस टाइप का जो टूल है वो हमारे लाइटरूम ऐप में हमें मिलता है। एंड गाइस काफी लोगों को इस टूल के बारे में नहीं पता है कि इसका एक्चुअल में यूज क्या कैसे करते हैं। एंड गाइस कुछ लोगों को पता है तो गाइस वो जो लोग हैं इस टूल का अच्छे से यूज नहीं कर पाते क्योंकि गाइस उन लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बट गाइस आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी को सारे टिप्स बताऊंगा इसके टूल के बारे में एंड आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप इस टूल का यूज करके इस टाइप की फोटो से इस टाइप की कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को मतलब मैं सेम नहीं बोलूंगा कि आप इसी टाइप का टोन दे सकते हो, मैं आप सभी को एक ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर आप लोग किसी मतलब ऐसी लोकेशन अगर कोई खराब सी लोकेशन पे भी अगर आप फोटो क्लिक करते हो ना तो गाइस आप इस टूल की मदद से आप अपनी उस फोटो का जो मतलब फोटो को जो प्लेस है उस जगह को आप बिल्कुल चेंज करके एकदम मतलब एक अच्छा सा लुक दे सकते हो उस फोटो में। तो बस गाइस मैं आपको ज्यादा मतलब ये इंट्रो में नहीं बताऊंगा, बाकी आपको मैं एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एंड आप लोगों को सिखाऊंगा भी। बस गाइस मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ अगर अभी तक आपसे मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस इस फोटो में जो है मतलब मैंने स्क्रीन रिटच एंड बाकी सब कुछ मैंने पहले से ही कर रखा है। अगर आपको एकदम डिटेल में समझ रहा है तो आपको गाइस ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर चेकआउट करना। एंड गाइस आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें गाइस मैं एकदम कंप्लीट कोर्स आप लोगों को सिखा रहा हूं एकदम फोटो बैकग्राउंड को इरेज करने से लेकर फोटो रिटच तक। तो गाइस सारी वीडियोस में अभी मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए मैं डाल रहा हूं अपने चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी एडिटिंग स्टार्ट किया ना तो आप लोगों को उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेकआउट करना चाहिए क्योंकि इससे जो है आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड आप लोग जो अपनी फोटो एडिटिंग करने में मतलब कि आपको पूरा ही कोर्स मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट जरूर करना। बाकी चले गए आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस इसमें जो है पहले मैं इस फोटो का जो है मैं अलग अलग टोन इस फोटो में डालूंगा, ठीक है। तो आप लोग सारे स्टेप को ध्यान से देखना। तो पहले इसमें जो हमें बेसिक एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। जैसे कि गाइस यहाँ पे लाइटनेस है तो मैं इसके लाइट को जो मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। सो यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो भी अपने हिसाब से देख लेते हैं फोटो में, ठीक है। तो आपको जो मैं इसको यहाँ पे मतलब एकदम अच्छे तरीके से तो ये सब बताऊंगा नहीं क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है मैं आपको वही बताना है, ठीक है। बाकी चलिए अभी हम फटाफट कर लेते हैं इसको। ओके सो गाइस हमारी जो कलर एडजस्टमेंट हो चुकी है तो गाइस अब आता हमारा मेन ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखिए गाइस इसमें जो है गाइस आपको जो पहला टूल मिलता है यहाँ पे शेडो, ठीक है। तो शेडो मिलता है इसमें आपको गाइस इसी तरीके की आपको तीन टूल मिलेंगे, जैसे गाइस पहला जो है हमारा शेडो है एंड सेकंड जो है हमारा मिड टोन एंड जो थर्ड है जो हमारा हाईलाइट, ठीक है। तो अब गाइस देखिए इन चीज़ों का जो यूज़ है गाइस, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं जो मतलब कि जो स्टार्टिंग में इस टूल को देखते हैं वो गाइस यहाँ से सिंपली यहाँ से जो है कलर्स को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि यहाँ से जो है मतलब कि ह्यू एंड सैचुरेशन है जो कुछ पता ही नहीं मतलब कि कितना क्या आ रहा है ना, तो ये सब चीज़ें जो है मतलब कि अच्छे से नहीं कर पाते। तो गाइस आपको जो यही चीज़ आपको यहाँ पे कैसे करनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको अंडो कर लेता हूँ यहाँ पे इतना, ठीक है। अब गाइस देखिए आपको जो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन, ठीक है। तो शेडो दिख रहा है गाइस इसके सामने जो है आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना, कुछ आपको ऐसे इंटरफेस दिख जाएगा ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनस, ठीक है, सेम जैसे कि आपको कलर मिक्स में मिलता है, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कलर में टोन डालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जरूर गाइस जो भी कलर में टोन डालना आप यहाँ से इजिली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको इजिली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे जैसे गाइस देखिए यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे जो आपको सैचुरेशन मिलता है, ठीक है। जैसे गाइस आपको जो सैचुरेशन चेंज करना होता है आपको कलर मिक्स में तो आप यहाँ से इजिली सैचुरेशन में जाकर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। जैसे गाइस देखिए आप यहाँ से जाकर आप कलर चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि आपको कितना सैचुरेशन डालना है कितना ह्यू चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको पता नहीं चलेगा। तो गाइस यहाँ से जो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे गाइस यहाँ पे जो हमें ह्यू को जो है हमें यहाँ पे कोई मतलब कि ये वाला कलर रखना है, ठीक है, जैसे कि येलो टोन में रखना है हमें, तो यहाँ पे हम येलो पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसमें अगर सैचुरेशन हमें कितना ऐड करना है वो अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ पे हम जो है इसको इजिली यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ से सैचुरेशन जैसे कि हमें 15 तक चाहिए तो हम यहाँ पे इतना बढ़ा लेंगे, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो वही बढ़ा सकते हैं एंड अगर हमें इसमें कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हैं कौन सा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब गाइस देखिए अब तो मतलब ये शेडो के लिए था, अब गाइस शेडो के लिए क्या है कि हमारे जो बैकग्राउंड जितना भी शेडो वगैरह होगा उसका कलर चेंज होगा। बट गाइस अब देखिए यहाँ पे मैं इसको पहले यहाँ पे वापस से वही कर देता हूँ अंडो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको इस शेडो को तो समझ आ गया होगा। अब गाइस देखिए बात करते हैं मिड टोन की, ठीक है। तो मिड टोन में क्या है कि गाइस आपका जो कलर्स है ना वो आपके जो एजेस वगैरह जो आपके फ्रंट में जितनी भी चीज़ें होंगी उनके कलर जो है ईजिली चेंज करेगा ये, ठीक है। जैसे गाइस देखिए मैं ह्यू को यहाँ पे ब्लू में रख लेता हूँ एंड गाइस सैचुरेशन जब मैं बढ़ाऊंगा तो आप गाइस देखिए जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है आपको गाइस वहाँ वहाँ पे जो मतलब कि ज़्यादा ब्राइट हो रहा है एंड जो बाकी जितने भी कलर्स हैं उनमें हल्का हल्का टोन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मिड टोन में आपका ऐसा होगा एंड आपको जो देखिए गाइस देखिए आप मिड टोन में सैचुरेशन आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा कम बढ़ेगा। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं हम अपने हाइलाइट्स की, ठीक है। तो हाइलाइट्स का यूज़ क्या है गाइस आप लोगों को पता होगा, अगर गाइस आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। गाइस हाइलाइट जो है गाइस अगर आप हाइलाइट को जो है मतलब कि आप माइनस की तरफ ले जाते हो तो गाइस आपकी जो फोटो है वहाँ से जो है गाइस उसकी ब्राइटनेस जो है कम होने लगती है एंड जो अगर आप उसका हाइलाइट को इंक्रीज करते हो तो आपकी जो हाईलाइट है वहाँ पर आपकी फोटो जो है ब्राइट होने लग जाती है। तो इसी में आपका सेम कलर्स में, तो कलर्स में क्या होगा गाइस आप लोगों का,
जैसे ही गाइस देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का जो यहाँ पे सैचुरेशन मैंने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो इंक्रीज करने के बाद जो है मतलब मेरी फोटोज़ में जहाँ जहाँ पे मुझे रेड कलर की जरूरत होगी वहाँ पे जो है वो चीज़ वहाँ से डार्क होने लग जाएगी। जैसे ही गाइस आप देख सकते हो, अगर जैसे गाइस मैं यहाँ पे ह्यू को चेंज करूँ, जैसे गाइस मैं इसको ले जाता हूँ ऐसे ब्लू टोन की तरफ, ठीक है, तो ब्लू टोन की तरफ ले जाता हूँ, तो गाइस देखिए हमारी जो फोटो में जितना ब्लू पार्ट है वो देखिए हल्का हल्का डार्क होने लग गया है, ठीक है। तो ल्यूमिनस को भी अगर मैं उसी चीज़ को अगर मैं माइनस करूँ, जैसे गाइस ल्यूमिनस का भी काम यही है, फोटो को वहाँ से वो जो उस कलर को जो डार्क कर देता है एंड डार्क कर देता है, अगर आप उसको माइनस करते हो डार्क करता है, और अगर आप उसको प्लस करते तो गाइस उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो। अब गाइस देखिए इसमें जो एक आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्लोबल का, ठीक है, ये लास्ट वाला। अब गाइस इस ग्लोबल का यूज किया गाइस आप लोग देखिए, जैसे गाइस अभी तीनों कलर को जब आप जब मतलब कि यूज कर लेते हो तो उसके बाद जो ये वाला कलर दिखता है, आप अगर इसको यूज करते हो उस वही सेम टोन में, तो गाइस आपका जो टोन है उसमें जो गाइस ब्राइटनेस के साथ साथ आपको मतलब सबको जो एक साथ एडजस्टमेंट करके यहाँ पे आपका जो कलर है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब आपको उसमें जो ज्यादा कुछ मतलब कि ब्राइटनेस वगैरह वो सब इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही सब कुछ ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको येलो टोन में दे देता हूँ, तो गाइस देखिए कुछ इस टाइप की हमारी फोटोज बन जाती है इसमें। तो अब गाइस देखिए मैं इसमें आपको डाल के दिखाता हूँ दूसरा टोन, जो कि गाइस आप लोग यूज कर सकते हो, मतलब कि दूसरा टोन मतलब कि आप कैसे यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके टोन से, जो अगर भाई आप चाहो जैसा मर्जी टोन डालना वैसा डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब गाइस कई बार ये होता ना कि हम फोटोज में जो कलर ऐड कर लेते हैं बट हमें ये पता नहीं चलता कि हम कलर में टोन कैसे ऐड करें। तो गाइस देखिए मैं आपको आपको यहाँ पे दूसरा टोन डाल के दिखाता हूँ। तो पहले गाइस मैं इस फोटो को यहाँ पे अंडो कर लेता हूँ, इसको जो मैं यहाँ से लेके चलता हूँ मतलब यहाँ से सीधा डायरेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से अंडो क्यों कर रहा हूँ यार, है ना। तो मैं यहाँ से बैक चलता हूँ एंड यहाँ से डन करता हूँ, जो सबसे सेकंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ से मैं ओरिजिनल फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये इस पर एंड ओरिजिनल फोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई। अब गाइस देखिए इसमें भी हमें सेम चीज़ वही करनी है, यहाँ पे बेसिक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पहले, तो हमें है ना क्योंकि हमें जो फोटो में तो टोन डालने के लिए पहले एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी थोड़ी कलर्स वलर्स, तो यहाँ पे ब्राइटनेस वाइटनेस कर लेता हूँ चेंज। तो गाइस अब जो है इसमें हम टोन जो है अलग डालेंगे, ठीक है, थोड़ा तो मतलब आप ध्यान से देखना, ये वाला टोन जो है मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी फोटोज़ में भी यार डालता हूँ एंड इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर चेकआउट जरूर करना, ठीक है, थोड़ा यार मतलब कि अपने भाई को भी सपोर्ट करो यार थोड़ा, तो आपका जो लिंक मिल जाएगा। तो बाकी देखिए गाइस हमने यहाँ पे कर लिया, आप चलते हैं यहाँ पे टोन्स पे, ठीक है, कलर ग्रेडिंग वाले टोन पे। अब यहाँ पे गाइस देखिए आपको जो यहाँ पे जैसे गाइस देखिए मैं इसमें ऐड करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो वाला टोन फेवरेट है बहुत, तो मैं इसको ब्लू कलर में ले जाता हूँ, इसका सैचुरेशन जो मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारी फोटो में जो एक ब्लू कलर का टोन ऐड हो रहा है। अब गाइस मैं इसको मिड टोन में ले जाता हूँ, मिड टोन में ले जाने के बाद हमें इसको सेम चीज़ वही ब्लू में ले जाता हूँ, यहाँ पे जो मैं इसका सैचुरेशन बढ़ाता हूँ। तो गाइस देखिए कितना अच्छा एक टोन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मूडी टोन है ना बढ़िया सा एकदम। तो अब गाइस मैं इसको देखिए हाईलाइट में ले जाता हूँ, आप देखिए गाइस यहाँ पे फोटो जो एकदम झक्कास बन जाएगी। तो जैसे ह्यू को ले गया मैं यहाँ पे ब्लू में एंड इसको सैचुरेशन इंक्रीज किया, तो आप गाइस देख सकते हो हमारी फोटो जो यहाँ पे कितनी अच्छी मतलब कि एक इस टोन के वजह से देखिए हमारी फोटो कितनी अमेजिंग लग रही है यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बिफोर एंड आफ्टर, देखिए बिफोर एंड ये है आफ्टर, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं गाइस जो मतलब कि फिर जो कलर ग्रेडिंग वाला टोन है गाइस कितना बेस्ट है, अगर आप इस टूल का ये अगर आप यूज़ करते हो तो गाइस मतलब आपकी फोटो जो एकदम नेक्स्ट लेवल बन जाती है। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी, तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा इसमें मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।